ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राव चेवनी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ब्रजभूषण सिंह ने कोर्ट में इस मामले में अपनी याचिका दायर करते हुए नए सिरे से जांच करने की मांग की थी। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर कोर्ट अब 7 मई को अपना फैसला सुनाएगा। जानकारी के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह ने आरोपों पर और अधिक दलीलें पेश करने और आगे की जाँच के लिए समय की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वो उन घटनाओं में से एक की तारीख पर भारत में नहीं थे, जिसमें एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे WFI ऑफिस में परेशान किया गया। ब्रजभूषण सिंह के वकील ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर भरोसा किया था और कहा था कि वो 7 सितंबर 2022 को WFI ऑफिस गए थे, जहां उनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि वकील ने दावा किया कि CDR को पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं रखा है। दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस मामले में 15 जून धारा 354 AD और IPC की धारा 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। अब देखना यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक जीवन पर कोर्ट के फैसले पर क्या फर्क पड़ेगा, जबकि लोकसभा चुनाव सामने हैं और अभी भी भाजपा ने केसरगंज सीट पर उम्मीदवारों का नाम अभी तय नहीं किया है।